गाइस छोटे 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 व्हाट्सअप, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको मेरी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। कोई मुझे पूछेगा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसको बताऊँगा चिंट पाक डम डम। तो गाइस मजाक को छोड़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस मैं जब मैं 12 क्लास में था, 12वीं धोरण में था, तब सबसे पहले तो ये बता दूं कि मुझे स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, खेल में। और लेकिन मैं आज तक किसी भी खेल में भाग नहीं ले पाया, पार्टिसिपेट नहीं हो पाया। जब मैं 12 क्लास में था, तब खेल महाकुंभ नज़दीक आ रहा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, आनंद था कि खेल महाकुंभ नज़दीक आ रहा था। इसके लिए मैं प्रैक्टिस भी करता था खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक थी इसलिए स्कूल से खेलने के लिए नहीं ले जाया गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि अभी नहीं खेल पाया तो क्या हुआ, कॉलेज में जाऊंगा तो वहाँ खेलूंगा ही नहीं बल्कि अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने भारत देश का, विश्व का तो पता नहीं गाइस, लेकिन कुछ नाम बनाऊंगा ऐसा सोच के रखा था। लेकिन जब कॉलेज से मैसेज आया कि आज से एक हफ्ते पहले मैसेज आया था कि जिसको भी खेल में इंटरेस्ट है और वो खेल में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, वो इस तारीख को यहाँ कॉलेज के ग्राउंड पर आ जाए, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मेरे अंदर एक आपको बता नहीं सकता कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आनंद था, इतना ज़्यादा उत्साह था कि मैं खेलने के लिए जाऊँगा। लेकिन मेरा वहाँ हॉस्टल में एडमिशन नहीं हुआ और मेरे गांव से कॉलेज का सफ़र बहुत लंबा है। मैंने हॉस्टल के वार्डन को बताया कि आई नो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन और इतनी सिचुएशन ख़राब है, ऐसा कुछ बताया। तो उसने कहा कि जब हॉस्टल से कोई निकलेगा उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इस साल तो कोई निकलने वाला है नहीं। और पहले की तरह मैंने इस बार भी हार मान ली। ऐसा नहीं गाइस, मैं हार नहीं मानूंगा और जिस दिन उतरूंगा मैदान में आग लगा दूंगा, आग वादा करता हूँ गाइस। तो एंड में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना चाह सकते हो उतना करिए। सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस आप, और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बस इतना ही चाहिए। चल हे गाइस, ये अपना खेत है और 2-3 दिन के बाद इस यहाँ पर सोयाबीन है, उसकी कटिंग करने की है। और ये देख सकते हो गाइस, ये सोयाबीन सूख चुकी है। हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसकी ये सूख चुके हैं गाइस, और आधी नीली है, इसलिए कुछ दिन के बाद उसकी कटिंग करनी है। और अभी मैं आया था यहाँ पर बकरे का खुराक लेने के लिए। और ये वृक्ष दिख रहा है ना, इसको, इस वृक्ष को हमारी भाषा में रिंजड़ा बोलते हैं,
और इस रिंजड़े के जो डाली होते हैं उसके पत्ते होते हैं उसको बकरे खाते हैं। तो मैं यहाँ पर बकरे उसी डाली को लेने के लिए आया था, और ये मैंने डाली भी तोड़ के रखी है, ये देख सकते हो गाइस। और अब उसको अभी मैं घर ले जाता हूँ गाइस, और घर ले जाकर बकरे को खिलाता हूँ। Thank you.